नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया नोटबंदी के मसले को लेकर, लेकिन इस दौरान जबरदस्त हंगामा वहां पर हुआ। बीजेपी और आम आदमी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के विधायक हाउस के वेल में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी इस दौरान करना पड़ा। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान हाय हाय के नारे लगे तो आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायक आ गए। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया था और इसी विशेष सत्र में सरकार के इस फैसले को लेकर यहां पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा की सूरत क्या दिखाई दी? हंगामेदार आसार वहां बने, हंगामेदार माहौल वहां बना और ऐसी स्थिति हो गई कि 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित भी करना पड़ा। वेल में नहीं आइए प्लीज, वेल में अमानदुल्ला। ये देखिए नोटबंदी, देश भर में जो हालात बन रहे हैं उनकी 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सियासी संग्राम इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री के खिलाफ दिल्ली विधानसभा के अंदर नारेबाजी हुई, दूसरी तरफ बीजेपी ने हंगामा किया विधानसभा के बाहर, समर्थक और विधायक वहां पर जुटे। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यहां पर ये नारे लगे तो उसे देखते हुए बीजेपी के विधायक भी आम आदमी पार्टी के विधायकों से भिड़ गए। 3 विधायक बीजेपी के हालांकि सदन में, और उसके बाद बाहर आकर भी नारेबाजी हुई जब समर्थक और बड़ी संख्या में जुटे। नोटबंदी को लेकर देश भर में लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं उन्हीं को लेकर विपक्ष यहां पर इस तैयारी के साथ कि केंद्र सरकार को घेरा जाए, और इसी कोशिश में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज विधानसभा का विशेष सत्र यहां पर बुलाया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शर्मा। नोटबंदी के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाया है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता विधानसभा पर पहुंच गए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं विधानसभा का जो मुख्य गेट है उसको जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर मांग ये कर रहे हैं कि केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो नोटबंदी का फैसला किया है वो काले धन को रोकने के लिए है, लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है। और इसी बात को लेकर के जबरदस्त तरीके से यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। किस बात को लेकर के आप आए यहाँ पर? देखिए, जब देश की जनता काले धन के विरोध में लाइनों में खड़े होकर अपने पैसे एक्सचेंज करवा रही है, सारा काम शांतिपूर्ण हो रहा है, केजरीवाल जी उन्हें भड़काने की रोज कोशिश करते हैं। कल तो उन्होंने हद कर दी जब उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। हम इसी के विरोध में हैं, मुख्यमंत्री जनता का साथ दे, जनता की सेवा करे, उसे भड़काए नहीं। विधानसभा का जो मुख्य द्वार है उसको घेर लिया, उसको ब्लॉक कर दिया और विरोध किया है कि केजरीवाल काला धन जिनके पास है उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। बीजेपी का प्रदर्शन आपने देखा, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी राजनीति के लिए माँ को लाइन में लगाकर आप ठीक नहीं कर रहे, कभी लाइन में लगना हो तो खुद लाइन में लगिए, माँ को लाइन में न लगाएं। इससे पहले तस्वीरें सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन पहुंची थी और उन्होंने नोट बदलवाए थे लाइन में लगकर। ये तस्वीरें काफी सुर्खियों में रहीं, सुर्खियां बटोरी इन तस्वीरों ने और इसी पर निशाना साधा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने। अब लोगों को परेशानी हो रही है और उसी परेशानी को मोहरा बनाकर तमाम विपक्षी पार्टियां इस पूरे मसले का राजनीतिकरण भी कर रही हैं, लेकिन सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए 7 नए ऐलान सामने रखे हैं। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने क्या ऐलान आज किए आपको बताते हैं। बैंकों के सामने कतार और लंबी हो गई है, एटीएम के सामने से भीड़ छटने को तैयार नहीं है।
लोग देर रात को ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन हालत इस कदर खराब है कि दोपहर तक भी नंबर नहीं आता। परेशान हाल लोगों को राहत देने के मकसद से सरकार ने 7 बड़े ऐलान किए हैं। सरकार बार बार बैंक जाने वालों की पहचान करेगी, जिसके लिए बैंक से नोट बदलने वालों की उंगली पर एक खास किस्म की स्याही लगाई जाएगी। सरकार जन धन के खातों पर भी नजर रखेगी। गरीबों को बरगलाकर उनके खाते में काले धन को खपाने की शिकायतें बड़ी तादाद में मिल रही हैं। अब जन धन खातों में 50,000 रुपए ही जमा होंगे। 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच जमकर सोना और हीरा खरीदने वालों की लिस्ट भी सरकार बनाएगी। सरकार ने मंदिरों और ट्रस्टों से अनुरोध किया है कि अगर उनके पास छोटी करेंसी में भी बड़ी नकद राशि है तो उसे बैंक में जमा करा दें। नया नोट रंग छोड़ सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो नोट नकली भी हो सकता है। कर्मचारियों की हड़ताल की तमाम खबरें झूठी हैं। सरकारी अस्पताल पुराने नोट स्वीकार करेंगे। इन सभी ऐलानों के साथ आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास मीडिया के सामने आए। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में कैश की कोई कमी नहीं। बहरहाल कैश की कमी हो ना हो, लेकिन कतार और इंतजार दोनों ही लंबा है। उम्मीद है कि सरकार के नए ऐलान के बाद लोगों को वाकई कुछ राहत मिले। आज तक ब्यूरो। और आइए आपको सीधे इस वक्त ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। दुल्हन के पिता को हार्ट अटैक हो गया क्योंकि वो अपने नोट नहीं बदल पाया, उसके यहाँ शादी नहीं हुई। बेटी की शादी की चिंता को लेकर माँ ने की खुदकुशी। देश के अंदर जगह जगह घरों में शादियां टूट रही हैं, जगह जगह घरों में नोट ना होने की वजह से, नोट ना बदले जाने की वजह से किसी की आत्महत्या हो रही है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े दोस्त हैं, माइनिंग स्कैम में जिनका नाम आया था जनार्दन रेड्डी, कर्नाटका के बहुत बड़े नेता हैं, कल उनकी बेटी की शादी है। 12 नवंबर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 500 करोड़ रुपए अखबारों में छपा है, मेरे को तो पता नहीं, 500 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं। उन एक मिनट यार, 500 करोड़ रुपए शादी में खर्च हो रहे हैं, उनको 500-500 के हजार हजार के नोट बदलने की दिक्कत नहीं आ रही। हम तो पहले से ही कह रहे थे, जो मोदी जी के दोस्त हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, उनको सबको नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, उनके अपने नोट बदले जाएंगे। तो ये हम जानना चाहते हैं, उन्होंने किसका नाम लिया, क्या लिया? दिल्ली के अंदर दहशत फैली हुई है चारों तरफ। बैठिए, मार्केट में गया, मार्केट में व्यापारी कह रहे हैं जी इनकम टैक्स वाले घूम रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों पे जा रहे हैं, दुकान वालों के ठप्पे लगा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी के अंदर क्यों नहीं जा रहे इनकम टैक्स वाले? जनार्दन रेड्डी को कहां से 2-2 हजार के नोट मिल गए? जनार्दन रेड्डी के यहां क्यों नहीं ईडी वाले जा रहे, क्यों नहीं सीबीआई वाले जा रहे? क्योंकि जनार्दन रेड्डी भाजपा के दोस्त हैं। विजय माल्या 8,000 करोड़ रुपए लेके उनको भगा दिया भाजपा ने। विजय माल्या को इस देश से भगा दिया, 8,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लोन है, उनको भगा दिया भाजपा वालों ने। और रोज खड़े होकर टीवी चैनल में धमकी दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए अगर तुमने जमा करा दिए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। 2.5 लाख रुपए वालों के पीछे पड़े हुए हैं विजय माल्या, जो 8,000 करोड़ रुपए जिसके ऊपर बकाया थे उसको रातों रात एयरपोर्ट से भगा दिया बीजेपी वालों ने। क्या रिश्ता था जी विजय माल्या से? 1,14,000 करोड़ रुपए का, बड़े बड़े धनाढ़ियों का, अरबपतियों का 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया लोन का, 1,14,000 करोड़ रुपया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बताओ उनके नाम किस किस का माफ किया, कह रहे नाम नहीं बताएंगे, पता चल जाएगा कौन कौन इनके दोस्त थे। 1,14,000 करोड़ रुपया छोटा नहीं होता जी, 1,14,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया और धमकी दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए जमा करा दिए तो छोड़ेंगे नहीं तुमको 2.5 लाख रुपए। गरीबों से दुश्मनी है इनकी, ये अमीरों की पार्टी है, अमीर लोग ये इनके दोस्त हैं। 2011 में 648 लोगों की लिस्ट आई थी जिनके, उसमें इस देश के सारे बड़े बड़े सारे अरबपतियों के नाम थे,
उसमें से कुछ लोगों के नाम मेरे को पता चले थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, अकाउंट नंबर भी बताया था, स्विस बैंक अकाउंट नंबर। कांग्रेस मिली हुई थी उनके साथ, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया उन 648 लोगों के साथ खिलाफ, लेकिन अब मोदी जी भी कोई एक्शन नहीं ले रहे उनके खिलाफ। अरे काला धन पकड़ना था, उनके अकाउंट नंबर लिखे हुए उस लिस्ट के अंदर 648 लोगों के। स्विट्जरलैंड की सरकार को लिखने की देर थी, भाई इनके अकाउंट की डिटेल भेजो, इनको पकड़ेंगे। एक चिट्ठी भी नहीं लिखी मोदी जी ने स्विट्जरलैंड। भाई देखिए, नहीं विजेंद्र जी, कोई ऐसा शब्द आएगा मैं रोकूंगा ना, बिल्कुल नहीं ना, बैठ जाइए बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए आप, नहीं आप बैठ जाइए, नहीं आप बैठ जाइए ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, पनामा लिस्ट, पनामा लिस्ट आए हुए कितने दिन हो गए, उस पनामा लिस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्तों के नाम है विजेंद्र जी, इसलिए उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं किया। विजेंद्र जी ये तरीका ठीक नहीं है, हम सब लोग जानते हैं ये तरीका ठीक नहीं है, बैठ जाइए। गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं, ये खबर है अखबार में, ये खबर है अखबार में, ये खबर ये कहती है कि जब मोदी सरकार आई थी 5468 करोड़ रुपए अडानी साहब ने झूठे बिल बना के, इन्फ्लेटेड बिल बना के देश के बाहर भेज दिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने आने के बाद ईडी के अफसर जो जांच कर रहे थे उनका तबादला कर दिया, उनकी ऐसी तैसी कर दी, जांच बंद कर दी। तुम 2.5 लाख जमा कराने वालों से पैसे लोगे, अडानी से पैसे नहीं लोगे। वो 5468 में एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा हूं, 5468 करोड़ रुपए उसने देश से बाहर भेज दिए, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। आप कहते हो हम काले धन पे वार कर रहे हैं, तो आप काले धन पे वार नहीं कर रहे, इस देश के गरीब लोगों के ऊपर वार कर रहे हो आप, और आप अपने दोस्तों को बचा रहे हो। तो मन में यह प्रश्न उठता है, ये दोस्त क्या दोस्ती है, ये किस किस्म की दोस्ती है, कौन है ये दोस्त? इनके साथ मोदी जी की दोस्ती लेन देन की दोस्ती है, लेन देन की दोस्ती है। और आज मैं सबूत रखूंगा आज इस विधानसभा के अंदर, ये लोग मोदी जी को पैसा देते हैं और बदले में, बैठ जाइए विजेंद्र जी, बैठ जाइए, बदले में मोदी जी इनके खिलाफ इनकम टैक्स नहीं होने देते, नोटबंदी के पहले इन लोगों को बता देते हैं और इनका काम करवाते हैं। आज मैं सबूत लेके आया हूं जी, ये कागज मेरे कागज हैं जी, मैं अपने आप कर लूंगा ठीक। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर विजेंद्र जी आप इंटरप्ट कर रहे हैं, विजेंद्र जी आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बैठिए प्लीज, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बैठिए प्लीज, बैठिए आप बैठिए प्लीज। रेड की थी ना, मैं मुझे निर्णय क्या लेना है, मैं निर्णय ले लूंगा अभी, आप बैठिए प्लीज, उनको इंटरप्ट मत करिए, मैं रूल कर दूंगा, मुझे जो कहना है, आप बैठिए प्लीज। के ऊपर आप अपनी रिपोर्ट बनाते हो, उस रिपोर्ट को इनकम टैक्स की रिपोर्ट को अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं, ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, ट्रेड की अप्रेजल रिपोर्ट है, अप्रेजल रिपोर्ट की सही कॉपी है। आप बैठिए विजेंद्र जी, इस अप्रेजल रिपोर्ट की प्लीज बैठिए, बैठिए बैठिए, इंटरप्ट मत करिए प्लीज। उसमें रेड के दौरान, रेड के दौरान विजेंद्र जी, मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें कर लूंगा, मुझे मालूम है, मैं कर लूंगा अपने आप, अभी आप इंटरप्ट मत करिए, मैं इंटरप्ट मत करिए, आप बैठ जाइए प्लीज, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए आप, बैठिए, आपने मुझे, आप बैठिए प्लीज। और मुझे शुभेंदु अमिताभ जहाँ जहाँ कहते हैं मैं उनको पैसा देने आता हूँ। आप जब भी सदन बैठता है बार बार शुभेंदु अमिताभ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको, मुझे क्या निर्णय लेना है मैं देखूंगा अपने आप, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ बैठ जाइए,
मैं मार्शल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विजेंद्र जी को बाहर करें, विजेंद्र जी को बाहर करें मार्शल ना। मैंने मैंने बहुत समय दिया, आप आपने बहुत आज बहुत बहुत आपने अवहेलना की है। नहीं आप बाहर करिए, बाहर करिए, मुझे बाहर करिए, नहीं बाहर करिए, बाहर करिए आप। विजेंद्र जी मैं आपसे, आप करिए बाहर करिए, आप बाहर करिए, आप बाहर करिए, या तो आप शांति से बैठिए। मैंने आपको मौका दिया, बार बार मौका दिया, आप मान नहीं रहे। विजेंद्र जी आप क्या हर एक को धमकियां देते हैं? आप करिए बाहर करिए। नहीं नहीं बाहर करिए, अब जो मुझे निर्णय लेना मैं लूंगा। आप चलिए, करिए करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। आप चल जल्दी करिए। मैं चाहता था आप बैठे बराबर, लेकिन अब मैं मुझे क्या करना मैं देखूं, हाँ मुझे क्या करना मैं देखूंगा, हाँ मुझे क्या करना मैं देखूंगा। चलिए चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं चलिए आप चलिए। करिए भाई करिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पर, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। सक्सेना ने कहा जी मैं हवाला का पैसा लेके आता हूं, मेरे बॉस हैं उनका नाम शुभेंदु अमिताभ है, वो जिस जिस को कहते हैं फिर मैं उनको पैसा बजा के बांट देता हूं। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया, उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी 2012 में। तो उनसे पूछा गया गुजरात सीएम का क्या मतलब है, बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया, सी और एम का क्या मतलब है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया, तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है, ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है
considering the highly incriminating nature of transactions in the data retrieved from the laptop and hard disk of Shubhendu Amitabh and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Sri Shubhendu. इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है ये झूठ बोल रहा है. अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है और असेसिंग ऑफिसर फिर दो साल लगा के उसकी इनकम का असेसमेंट करता है, ऑर्डर करता है. अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी, उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके. उसके बाद तो इसकी कोई जांच नहीं हुई उसके बाद, और अब ये केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है. सेटलमेंट कमीशन में इस केस को भेज दिया और बहुत जल्दी ये केस खत्म होने वाला है. इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है. एक और बड़ी मजे की बात है, इसी रिपोर्ट के अंदर बिड़ला ग्रुप के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं गुजरात सरकार में उनकी लिस्ट दी हुई है. इससे शक पैदा होता है कि आप ये पैसे ये काम करवाने के लिए दिए गए थे क्या. इसमें लिखा है लेवी ऑफ स्टैंप ड्यूटी मैटर हैज बीन टेकन अप एट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल एंड थ्रू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस डेप्यूटी कलेक्टर स्टैंप हैज बीन इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गांधीनगर नॉट टू इनिशिएट एनी एक्शन. मतलब कि मुख्यमंत्री दफ्तर, गुजरात के मुख्यमंत्री दफ्तर ने स्टैंप ड्यूटी ना लेने के आदेश दे दिए हैं. इनको गैस की जरूरत थी तो इसमें लिखा है गैस के लिए भी बात हो गई है. तो जो जो काम पेंडिंग थे गुजरात सरकार में उनकी सबकी लिस्ट दी हुई है. तो एक मन में यह शक होता है ये 25 करोड़ रुपए ये सारे काम करवाने के लिए पैसे दिए गए थे क्या. तो गरीब नहीं अमीरों से दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी की और साजिश है तमाम यहाँ पर आरोप अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पर लगाते हैं.